उत्तर प्रदेश में अभी दो दिनों तक मौसम साफ रहेगा। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है, इससे ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अभी कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना नहीं है, लेकिन 15 नवंबर के बाद पहाड़ी इलाकों में ठंड शुरू हो जाएगी, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी होगा। इस समय प्रदेश के जिलों में रातें हल्की सर्द और दिन के समय ठीक ठाक धूप हो रही है। हालांकि कई जगहों पर सुबह धुंध और कोहरा देखने को मिल रहा है। कल से 14 नवंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहने के साथ ही सुबह के समय कहीं कहीं पर मध्यम कोहरा छाने के आसार हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में सबसे कम तापमान अयोध्या में रिकॉर्ड हुआ। यहां न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में 16.9 डिग्री सेल्सियस, मेरठ में 17.8 डिग्री सेल्सियस और नजीबाबाद में 18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं प्रयागराज में अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस रहा। बीते कुछ दिनों से प्रयागराज में तापमान इसी के आसपास है। एक तरफ लोग ठंड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के कई जिलों में प्रदूषण का स्तर सामान्य से कहीं ज्यादा है, जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। प्रदूषित शहरों में नोएडा, गाजियाबाद, बागपत और राजधानी लखनऊ भी शामिल हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार बागपत का AQI 274, गाजियाबाद का 232, ग्रेटर नोएडा का 249, लखनऊ का 197 और नोएडा का 220 दर्ज किया गया है। वहीं कानपुर और आगरा समेत कई शहरों का AQI 100 के नीचे संतोषजनक श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली में सुबह शाम ठंड का असर देखने को मिल रहा है। दिन में धूप खिल रही है, जिसकी वजह से गर्मी का भी एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 15 नवंबर के बाद दिल्ली में ठंड का दौर शुरू हो सकता है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो मौसम शुष्क बना रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। आने वाले दो दिनों के बाद हवा की दिशा में बदलाव हो सकता है, जिससे तापमान में गिरावट हो सकती है। राजस्थान में भी ठंड की शुरुआत हो गई है। यहाँ कई स्थानों पर सुबह के समय कोहरा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने यहाँ 4 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें चूरू, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ शामिल हैं। तमिलनाडु में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में बिजली गिरने और आंधी का येलो अलर्ट भी जारी किया है। यहाँ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। केरल में भी मौसम विभाग ने लगभग सभी जिलों में बिजली गिरने और आंधी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश और हवाओं से प्रदेश का मौसम सुहाना बना रहेगा।